आले की या भाई के पास जाओ, नहीं तो बाहर को दुसरीकड़े कुठे येऊ नका, कारण की यो आदमी विश्वासाचा माणूस आहे। बाकीची कधी फसवी जाई सगळीकडे, ह्यो माणूस आम्ही आता 6 महिने मागतपास 20 गाई नेले, आता पण मी 16-18 गाई भरले, आता 2 गाड्या आल्यात, आता सगळे व्यवस्थित आहे। कोण आले तर हिच्याकडे नंबर घेऊन या, आम्ही मस्त जबाबदार या मामशीला। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना कुलवीर सिंह स्वागत करता हूँ जी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हर दिन की तरह आज फिर से एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर हाज़िर हुए हैं जी। और आज की वीडियो के लिए जो अपनी विज़िट है जी, वो आर के डेयरी फार्म की है जी। रियासत भाई के फार्म पर आज फिर से पहुंचे हुए हैं जी। प्रॉपर एड्रेस गांव कुटी किशनपुरा, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, जहाँ ये बोल सकता हूँ कि पंजाब हरियाणा के बॉर्डर का एरिया है जी। एक ये भी बोल सकते हैं कि पशु मंडी डब वाली से मात्र 5-7 किलोमीटर की दूरी पर भाई सब का ये फार्म रह जाता है जी। हर समय सेल के लिए अवेलेबल गाय रहती हैं। आज की वीडियो में जो गाय आप लोग सामने देख रहे हो, यहाँ से सेल होकर महाराष्ट्र के लिए जानी है। कस्टमर आए हुए हैं, डिटेल बातचीत आगे रियासत जी के साथ करते हैं और कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो आगे आप लोगों के साथ शेयर करें। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कैसे हो रियासत भाई? सर बहुत बढ़िया जी। बढ़िया चाहिए। और काम काज, घर परिवार कैसा है जी? सब बढ़िया जी, भगवान का शुक्र है सर। बहुत अच्छी बात है जी। सबसे पहले तो रियासत जी आगे की बातें फिर शुरू करेंगे जी। एक बार अपना यहाँ का जो अपना डेयरी फार्म का प्रॉपर एड्रेस है ना जी, वो और अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए भाई साहब। मेरा एड्रेस सर मंडी डब वाली, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे है। हाँ जी। और हमारा फार्म पंजाब में मंडी डब वाली से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे बठिंडा रोड पे है। और यहाँ पे जो मंडी डब वाली गाय की मंडी लगती है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, उसी मंडी से 7-8 किलोमीटर मेरा फार्म है सर। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है सर 8847608059। ओके जी। रियासत जी आज टोटल कितनी गाय सेल करके यहाँ से भेज रहे हो जी? सर ये भाई सब कोल्हापुर से आए हैं। हाँ जी। पहले इनके कजन आए थे मेरे पास, मतलब इनके बड़े ताऊ के लड़के मेरे पास। हाँ से 20 गाय लेके गए थे। अच्छा जी। और उन्हीं से रेफरेंस लेके मेरे पास ये आए हैं और 16 गाय इनको दी है। 16 गाय आज। और आज तारीख कितनी है जी? 12 तारीख है। 12 तारीख 12 जून है ना जी? 12 जून है। और बोल सकते हो कि पूरी गर्मी का समय चल रहा है। यस सही है जी। यस। और एक तरह से ये भी बोल सकता हूँ कि जैसे सभी भाई ऑफ सीजन बोल देते हैं, ऑफ सीजन भी चल रहा है। अगर ऑफ सीजन के दरमियान कस्टमर आ रहे हैं फिर भी, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपके काम के लिए ये अच्छी खबर है। आप पहले भी बोलते रहते हो कि जो आपका मेन काम है, आप रिपीट कस्टमर के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास रखते हो, तो ये भी एक तरह से रिपीट कस्टमर ही बोल सकते हैं। क्योंकि एक घर में जब पहले गाय गई हैं, वो भी 20 गाय, तो उन्हीं के भाई दोबारा से आए हुए हैं, है ना जी? सर केवल गाय की बात नहीं हम कर सकते। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, मान लो मैंने आपके फार्म से, आपकी दुकान से, आपके शोरूम से कोई भी चीज़ ली, उसका रिजल्ट मेरे को अच्छा मिलेगा, तो मैं आपके भाई को या अपने फ्रेंड को रेफरेंस दूंगा। सही है। भाई उस बंदे से जाके लो, बहुत अच्छा आदमी है, जो बोलता है रिजल्ट भी वैसा ही आता है। बात रिजल्ट पे टिकी है सर। सही बात है। ठीक है सर, मान लें इनके कज़न को मैंने 20 गाय दिया, अगर मैंने जो 30 लीटर बोल के दिया, 25 लीटर बोल के दिया, जो भी दिया उनको मिला, तो उन्होंने रेफरेंस दिया। मान लो अगर उनका ही रिजल्ट खराब आता तो रेफरेंस कभी नहीं देते। सही बात है जी। इनकी गाय खराब जाएगी या इनको कोई हमारे डीलिंग में, हमारे भाव में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी, गाय लेके जाने में रास्ते में दिक्कत आएगी, कोई किसी भी प्रकार से छोटी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम कुछ भी आता है, तो इन ये बोलेंगे सही वो बंदा सही नहीं है। लेकिन इनको अच्छा लगेगा, इनका भाई को हमारा सिस्टम अच्छा लगा, 20 गाय दिया तो उन्होंने हमारा रेफरेंस दिया। ओके जी। रियासत जी कहने का मतलब कोल्हापुर से भाई सभी आए हैं, कोल्हापुर महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र। ओके जी। अब माइक ना इन्हें दे दीजिए, चंद बातें मैं इन्हीं के साथ ज्यादा करना चाहता हूं। ओके सर। माइक दे दीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हो भाई साहब? बढ़िया जी। अच्छे बड़े। बढ़िया चाहिए। क्या शुभ नाम क्या जी अपना? प्रकाश कोच। प्रॉपर एड्रेस क्या जी अपना? तालुका शिरोड़, जिला कोल्हापुर, राणा शिवनागौड़ी। ओके जी। और कितने भाई आप उधर से आए जी? एक हम 4 जन आए। चारों भाई? कितने दिन हो गए इधर आए हुए? आपके गाय तो 6-7 जन हो गए ना। आज 7 दिन, एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो गया। 16 गाय खरीदी, 16 गाय, गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी हैं, पहुंच गई है, लोडिंग की बिल्कुल तैयारी तैयारी सब। पहले घर पर कितनी गाय रखते? अभी 20 लेके गया मेरा बड़ा भाई। अच्छा, वो घर पर ही है? घर पे है सब। ओके। और आपके, अच्छा आपका काम एक साथ ही है या अलग अलग? दोनों भाई अलग अलग है। वो बड़ा भाई है, वो मैं नीचे। अच्छा, आपके घर पर कुछ गाय थी पहले या नहीं है? पहले थी थोड़ी। किधर की? वो बड़ी भाई लेके गए ना 20। हाँ जी। उनको देख के हम भी इधर आ गए। अच्छा जी, उनको देख कर आए। हाँ, देख के। तो उनको कितना समय हो गया इधर से गाय लेकर गए? अभी उनको 6-7 महीने हो गए ना। 6-7 महीने। सबसे पहली बात यही पूछूंगा, रियासत भाई के बारे में, उन्होंने आपको क्या बोला था? वो बोला इधर बहुत लोग इधर है। अच्छा। लोग किसी के मत पस जा, इसके पास जा, रिजल्ट अच्छा है।
अच्छा जी, सब देख के इधर ही आया ना। ओके, तो और दाम और दूध के बारे में भी कुछ ना कुछ बोला होगा? वो बताया था ना, वही सही निकला था। अच्छा, जितना कि इन्होंने दिखाने का ऐसा नहीं है, जितना कि इन्होंने इधर से गाय बताकर भेजी थी उतना दूध उधर दे रही है आराम से, भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिक्कत वाली। अगर 6-7 महीने गायों को ले गए हो गए, सभी की सभी ताजी ब्याने वाली थी तभी, या कुछ ब्याई होगी, ऐसा हो सकता है ना जी? कच्ची हो थोड़ी है ब्याने। ओके, अभी तक वो दोबारा से ब्याने के लिए गैबिन हो चुकी है? हो गई, हो गई। ये सबसे बढ़िया बात रहती है, क्योंकि जब नई जगह पर जाती है दूध कम जाता थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन जो रिपीट ब्रीडिंग की अगर समस्या आपको नहीं आई तो गाय अच्छी थी कहने का अच्छी, मतलब अच्छी, ठीक है। और गाय अच्छी तभी थी अगर अच्छे आदमी के पास आ पाई थी। सही है जी, सही। आपको 7 दिन हो गए इधर आए हुए, अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताइए, कैसे आप ट्रेन के जरिए आए थे इधर? हम मुंबई तक लजगढ़ से आए। अच्छा, उसके बाद प्लेन से आए इधर। अच्छा, आगे प्लेन से। हाँ, तो यहाँ किधर आकर उतरे आप? हम अमृतसर पे उतरे, अमृतसर। हाँ, उधर भाई ने गाड़ी भेज दिया लाने। अच्छा, अमृतसर से आपको रिसीव कर लिया, गाड़ी भेज दी, बहुत अच्छी बात है। दूसरे नंबर पर जब इधर पहुंचे तो रहने बहने की व्यवस्था? रहने बहने की व्यवस्था कुछ नहीं, घर पे लेके गए, उधर खाना पीना ना जो क्या है, फिर उसके बाद गाय देखने के बाद। ओके, तो कहने का मतलब रहने बहने की व्यवस्था जो 7 दिन आप इधर रहे वो बड़ी आरामदायक सुविधा मिली, घर जैसा लगता है इधर। अच्छी बात। ओके, और उसके बाद में जो गाय खरीदी, गायों का जो दाम लगाना था, जो भी गाय आप खरीदने, चाहे वो गांव में घूमे या पशु मंडी से खरीदी, आपसे पूछी कर सौदा किया या अपने मन से भी किया? नहीं, पूछी सौदा किया। अच्छा, आपसे पूछ कर। जितना के दाम आप दाम बताते कितना बताए उतना ही, क्या ऐसा ज्यादा बढ़ाया नहीं, कुछ नहीं, हम जो बोले वही लगा। सही है। ये कहने का मतलब, ये बातें जब होती है ना तो दिल को कहीं ना कहीं तसल्ली मिल जाती है कि अच्छे आदमी के पास आए। पीछे करना आगे करना ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, जो गाय आपने बोली कि हमें पसंद है आमने सामने हुआ उसका, आपके सामने हुआ सामने सब। अच्छा, वो भी बात बहुत अच्छी है। मेन बात जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे वो दाम के मामले में रहता है, कहीं ना कहीं ऐसे भी कुछ आदमी रहते हैं कि आपने बोला कि हमें 60 की ले दो, बोल रहे हैं कि धक्के से जल्दी करो जल्दी करो, नहीं तो बिक जाएगी, 65 की होगी, 70 की होगी, ऐसी बात तो कहीं देखने कोई कुछ भी नहीं हुआ। ओके जी, और उसके बाद में आज लोडिंग हो जाएगी। सही है जी, सही है। गायों का जो रख रखाव 7 दिन में, जैसे कुछ गाय पहले दिन आपने खरीदी, कुछ दूसरे दिन खरीदी, यहाँ गाय पहुँचनी शुरू हो गई थी, तो गायों का रख रखाव इधर, गायों की केयर आपकी अच्छे तरीके से? अच्छे तरह से हुई ना, वो भी बढ़िया बात है। ओके, अब मेन एक्सपीरियंस तो आपका हिंदी में तो हो गया, अब अपनी तरफ से ना मराठी में थोड़ा सा बताइए। उसमें क्या रहता है ना कि हिंदी में कुछ भाइयों को, जो आपके उधर के मराठी भाई देख रहे हैं, उन्हें हिंदी में थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं होता, तो मराठी में खुलकर बताना कि वहां से चलकर आप इधर आए और आज गाड़ियां लोड होंगी, अब तक का जो एक्सपीरियंस है ना सच्चे दिल से बताना। भाई सब हिंदी में तो बातचीत हो गई, अब थोड़ा सा चंद बातें ना आपके साथ में मराठी में करना चाहूंगा, मैं आपसे हिंदी में बातचीत पूछ लूंगा तो आपने अपनी तरफ से थोड़ा मराठी में बताना है। ओके जी, तो सबसे पहले तो अपना एक बार एड्रेस और अपना शुभ नाम बता दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कैसे यहाँ पर पहुँचे, कितने दिन से इधर आए हुए हो? अमी कोल्हापुर से है, कोल्हापुर तालुका शिरोह जिला कोल्हापुर। ओके, शुभ नाम क्या जी? प्रकाश खोत। ओके, और पहली बार इधर आए या पहले भी आते हो? पहले हम तो मोटा भाऊ इकडे आलता पहला। ओके, तो आल्यानंतर 6-7 महिने ना आम्ही परतीत आले। ओके, और इस बार कितनी गाय खरीद ली आपने? अभी आता 18 गाय घटले आता 18 गाय। और आपके घर पर जो आपके बड़े भाई के पास पहले गाय है 20 गाय यून गिलती, वो कैसी है? अभी तक दूध वगैरह कैसा दे रही है, गैपिंग होगी जहाँ, उसके बारे में कैसा एक्सपीरियंस आपका है? चांगला है ती सगळी आता। अच्छा, हाँ, 6 महीने जाऊन घून गेले चांगले आले सगळे। अच्छा, दूध वगैरह बढ़िया दे रही है? अच्छी दे, चांगली दे। और गैपिंग होगी दोबारा के लिए? गाभा आता सगळी। अच्छा, सभी की सभी गैपिंग होगी, गाभा है, दूध चौला है। ओके, और 7 दिन से आप जैसे बता रहे थे, पहले हम लोगों ने बातचीत की कि आप इधर हो, तो आपका रहने बहने का एक्सपीरियंस, गांव में घूमे, गाय खरीदी, रियासत भाई के साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, वो भी मराठी में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। आम्ही पहला मुंबईला उतरलो, मुंबईपासून इमान इथं अमृतसरला आलं, अमृतसर आल्यानंतर हिने गाडी पाठवली, गाडीनंतर घराकडे घेऊन जाऊन जेवण करणं, आंघोळ पाणी सब तिथे केलं, तिथे केल्यानंतर मग इथं फार्मर घेऊन आले। अच्छा जी, और जो घूमकर गाय खरीदी, गायों की आपने पहचान की कि हम लोगों ने ऐसी ऐसी गाय हमको चाहिए, वो आपकी जैसे दिल से उधर से सोच कर आए थे कि ऐसी गाय चाहिए, वैसी मिल गई? हाँ, आम्ही तिकडे जे काय विचार करून आलो त्यांनी तसलीच गाय इथे गावली, तिने काय असं हे फसवाफसी केली नाहीत, आम्हाला मनाला कसली पटली तिकडे तसलीच गाय आम्हाला घेऊन येतो दिली तिने। ओके, और उसके बाद में अंत में एक ही बात पूछना चाहूंगा, आपके महाराष्ट्र वाले बहुत भाई इधर पशु खरीदने के लिए आते हैं, उन्हें आप क्या बोलना चाहोगे रियासत जी के काम के बारे में, जब जो पंजाब से जैसे इधर से गाय मिलती हैं,
तो उन्हें आना चाहिए, किसके पास आना चाहिए, तो कैसा सिस्टम, उसके बारे में क्या बोलो? हालांकि या भाई के पास जाओ, नहीं तो बाहर को दूसरी कड़े कुठे येऊ नका, कारण की यो आदमी विश्वास समजता है, बाकीची कधी फसवी जाए सगळीकडे। ह्यो माणूस आम्ही आता 6 महिने मागतपासून 20 गाई नेले, आता पण मी 16-18 गाई भरले, आता 2 गाड्या आल्यात, आता सगळे व्यवस्थित आहे, कोण आलं तरी ह्याच्याकडे नंबर घेऊन या, आम्ही मस्त जबाबदार या माणसाला। ओके जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, उम्मीद करता हूँ कि दोबारा बहुत जल्द फिर से आपसे मुलाकात हो। रियासत जी एक एक करके गाय चलाते हैं, साथ में जो आगे की बातचीत है जी वो करते हैं। ओके सर। हाँ जी दोस्तों, बातचीत काफ़ी हो गई, इससे आगे गाय आप लोगों को चलाकर दिखाएंगे, और पहली गाय आप लोगों के सामने आ चुकी है। रंग रूप, बॉडी स्ट्रक्चर, ब्रीड क्वालिटी आप लोग देखते जाइए, कस्टमर का एक्सपीरियंस इससे पहले आप लोग जान चुके हो। रियासत भाई डिटेल बताते जाइए जी। सर ये 4 दांत गाय है। हाँ जी। अभी सेकंड ब्यांत बच्चा देने वाली है। दूसरे ब्यांत में कितना समय अभी पड़ा हुआ है जी? सर इसके लगभग 15 रोज बाकी है अभी। 15 रोज? यस सर। ओके, और दूध क्षमता कितने की वाली है? सर फर्स्ट ब्यांत में 23-24 लीटर दिया है, अभी 26-27 लीटर आराम से करेगी। 26-27 इस बार पर दे देगी? दे देगी सर। और दाम कितने में? सर 73 में दी है। 73,000 73,000 में दी गई है। और सर रेट देखिए कितना जेन्युइन है, और बछड़ी का फेस कितना सुंदर है, छोटा फेस है, बैठकदार, चमक लाइट, अडर क्वालिटी, थन क्वालिटी, और देखिए सर बिल्कुल अडर क्वालिटी, तो लाजवाब है सर, बहुत शानदार है ना जी। और थन है सर अपनी अपनी जगह पे। जितना बताया था आपने सर फर्स्ट ब्यांत में 23-24 लीटर दिया है, अभी 26-27 लीटर देगी आराम से। और दाम कितना बताया था सर? 73 73,000 में 73,000 में दिया सर, और 26-27 लीटर दूध करेगी आराम से, और चमक लाइट देखिए, वजन देखिए, घोड़े जैसी शानदार बछड़ी है। सही है जी, ले जाइए भाई, बांधिए इससे आगे दूसरी। और सर बछड़ी तो गाय तो जो दी है, इनके कजन मेरे पास पहले आए थे, वो 20 गाय लेके गए और उन्हीं के रेफरेंस से मेरे पास आए हैं। रियासत जी वही है ना जी, अगर कस्टमर के साथ हमारी डीलिंग अच्छी होगी, कस्टमर को जो गाय दी जा रही है वो अच्छी होगी, तो कस्टमर अपने आप उसे किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर मैं रिपीट कस्टमर में बिलीव करता हूँ। हाँ जी, कस्टमर रिपीट नहीं होगा तो आपका बिजनेस, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, काफी टाइम से बोलता हूँ, तो आपका बिजनेस खतरे में है सर। सही है जी। ओके जी, इससे आगे दोस्तों दूसरी गाय आप लोगों के सामने आ चुकी है। रंग रूप, ब्रीड क्वालिटी, बॉडी स्ट्रक्चर इसका भी बहुत शानदार, अडर आप लोग सामने करीब से देख सकते हो कितना अच्छा बड़ा अडर है। भाई साहब थोड़ा सा दूर रखिए जी, क्वालिटी आप लोगों के सामने है। कॉन्टैक्ट नंबर रियासत जी का स्क्रीन के ऊपर है, भाई साहब डिटेल बताते जाइए। सर 4 दांत है, ये भी दूसरा ब्यांत बच्चा देने वाली है। अच्छा, फर्स्ट ब्यांत में 26-27 लीटर दूध दिया है। हाँ जी सर, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, कितनी शानदार प्रिंट, इतना लाजवाब है, कलर प्रिंट इतना अच्छा है, अडर क्वालिटी, थन क्वालिटी, और चमक लाइट, कागजी नींबू जैसे, स्ट्रेट बैकबोन, छोटा फेस, जो ब्रीड में करेक्टर होना चाहिए, सब प्रकार से बछड़ी फिट है सर। सही है जी। और हमारा ये वीडियो में गाय दिखाने का पर्पज यही रहता है। हाँ जी, चाहे वो कस्टमर महाराष्ट्र से है, चाहे वो गुजरात से है, सही है, चाहे वो तमिलनाडु से है, हैदराबाद से, कर्नाटक से, सब कोलकाता से कस्टमर हमारे पास आते हैं। ऐसी अच्छी क्वालिटी वाली बछड़ी चाहिए तो हमारे पास 24 घंटा 40-50 गाय सेल के लिए अवेलेबल रहती है सर। ओके रियासत जी, कितना दूध और कितने दाम में दी गई है जी? सर फर्स्ट ब्यांत है, इसने दिया है 26-27 लीटर दूध, अभी 30 लीटर करेगी आराम से। ओके जी, दाम? दाम 3.80 में दिए सर। 77,000 सर, अभी थोड़ा जून का महीना है तो थोड़ा बाजार डाउन है, थोड़ी गाय सस्ती भी जा रही है। सही है जी। ओके जी, इससे आगे तीसरी गाय ले आइए। इससे आगे तीसरे नंबर पर दोस्तों एक और प्यारी गाय आप लोगों के सामने आ चुकी है। रंग रूप, बॉडी स्ट्रक्चर, ब्रीड क्वालिटी देखते जाइए, अर्डर की तरफ से बहुत शानदार गाय है। रियासत भाई डिटेल बताते हैं। सर अभी तीसरा ब्यांत बच्चा देगी। अच्छा जी। और 6 दांत गाय है। 6 दांत तीसरे, 6 दांत है, तीसरा ब्यांत बच्चा देने वाली है। जो 4 दांत है उसको 4 बोलेंगे, जो 6 है 6 बोलेंगे। हाँ जी। और सेकंड ब्यांत में इसने 30 लीटर दूध दिया है। अच्छा जी। बिल्कुल ठंडा दूध सर, 30, बहुत ही अच्छी, मेरे बोलने से कुछ नहीं, जरूरत नहीं है, कितनी शानदार गाय है, बैठकदार गाय है, आप खुद देख सकते हो। सही है। और इसका क्या है ना कि गाय, जैसे तीसरी गाय आ गई, इनका सिर्फ ये बात नहीं हम लोग बोल सकते कि बोलने वाला दूध हो, ये गाय खुद बताती भी है कि ये इतने दूध वाली है। सही है ना जी। सर अच्छी क्वालिटी की, अच्छे फार्म की गाय है। हाँ, बोलने से नहीं, ये सर ऐसे ही पूरा भारत हमारे इधर, हमारे फार्म पे गाय लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। हाँ जी। अगर कुछ दम है तो ही आ रहे हैं, नहीं तो कितने टाइम से सर आप वीडियो डाल रहे हो, तो हर रोज नया कस्टमर आता है, हर रोज गाय देते हैं, तो
अगर किसी बात में हम चीटिंग करेंगे, धोखा करेंगे, अगर कस्टमर को 25 लीटर बोलकर 15 लीटर वाली देंगे तो धंधा ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। सही बात है। अभी देखिए ऑफ सीजन है, फिर भी सर हमारा हर वीक में 40 गाय 50 गाय जा रही है, महाराष्ट्र जा रही है, गुजरात जा रही है। ओके रियासत जी कितने दाम में दी गई है? सर 75 में दी है। 75 और 70 आप बोलेंगे सर 30 लीटर वाली गाय 75 में दे दी, ये तीसरा ब्यांत है, 6 दांत है, इसलिए दी गई सर। ओके जी, बाकी ऑफ सीजन का भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता ही, ऑफ सीजन का इफेक्ट तो सर है ही है। सही है जी। ओके जी, इससे आगे चौथे नंबर पर एक और ले। चौथे नंबर पर दोस्तों एक और गाय आप लोगों के सामने आ चुकी है, बॉडी स्ट्रक्चर की तरफ से बहुत मजबूत गाय है जी, देखकर आइडिया आप लोगों को भी हो गया होगा, कद काठ लेंथ इसकी बहुत जबरदस्त है। और रियासत भाई क्या डिटेल क्या है जी इस गाय? सर ये 4 दांत है, अभी सेकंड ब्याद बच्चा देने वाली है, अभी से लगभग 20 रोज बाकी है सर। 20 रोज दूसरे ब्यांत के लिए, दूसरे ब्यांत। और रियासत भाई दूध कितने का वाली है जी ये? सर फर्स्ट ब्यांत में 28 लीटर दूध दिया है, अभी 30+ आराम से करेगी। सही है जी। और अब गाय की चमक लाइट देखिए, वजन जैसे देखिए, 1000 kg के अप्रोक्सीमेटली गाय का वजन है मेरे, बिल्कुल ऐसे फिट है गाय जैसे जिम जाती हो सर। सही है, बहुत अच्छी फिट बॉडी की गाय है। सही है रियासत जी, जैसे अगर बात करें बॉडी स्ट्रक्चर की तरफ से भी बहुत मजबूत गाय है, जानदार गाय है। तो जो रस्ते के लिए जैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है तो गाय, इस गाय को कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली है ना सर? गाय को दिक्कत वाली, आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा। हाँ जी। देखो सर मैं किसी के बारे में बुरा बोलने वाला आदमी कभी खुद अच्छा नहीं हो सकता। हाँ जी। लेकिन जैसे गर्मी में सर, अभी गर्मी बहुत है, हम पहले जैसे 15 अप्रैल के बाद जून 15 जून तक हम बिजनेस धंधा कम करते हैं, लेकिन जिनको ज्यादा इमरजेंसी पड़ती है गाय देनी ही पड़ती है, तो इतनी गर्मी में 2000 किलोमीटर पे डिलीवरी गाय की देना, यहाँ पे गाय जैसे ठीक ठाक घूम रही है, वो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, गर्मी में हीट जो होती है ना सर, वो जब जो बंदा एक्सपीरियंस है उसको ही मालूम है। गाय भेजना, गाय मंगवाना, बिक्री करना बहुत आसान है, बातें करनी आसान है, लेकिन डिलीवरी देनी बहुत मुश्किल है सर। ओके जी, रियासत जी अंत में एक और गाय इससे आगे, अंत में दोस्तों एक और गाय आप लोगों के सामने आ चुकी है जी, रंग रूप की तरफ से बहुत प्यारी है और बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत शानदार इस गाय का है। रियासत भाई क्या डिटेल है जी? सर ये भी 4 दांत बच्ची है। हाँ जी। और अभी सेकंड ब्यांत बच्चा देगी। अच्छा जी। फर्स्ट ब्यांत में 30 लीटर दूध दिया है। अच्छा जी। आप देखो मेरे बोलने से कुछ नहीं, अडर की क्वालिटी देखो। सही है जी। कितनी शानदार, कैसा कटवट, जिसको कट वाला आर्डर बोलते हैं, गोल आर्डर, फिट आर्डर, बहुत अच्छा। और अपनी अपनी जगह पे अंचल, हर प्रकार से बछड़ी का वजन, चमक लाइट, बैकबोन, फेस और लेग स्कोर, हर प्रकार से फिट है सर। सही है जी। बहुत अच्छी बच्ची है, शानदार बच्ची है। कितने दाम में दी गई है रियासत भाई? सर ये 80,000 में दी है सर। 80,000 80,000 80,000 में। रियासत जी बात करें, ये होगी जी अपनी गायों की डिटेल। यस सर। 4-5 गाय हम लोगों ने चलाकर दिखा दी और मेन बात जो कस्टमर का एक्सपीरियंस था वो हम लोगों ने शेयर किया। सही है जी। थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट तो जरूर पड़ा है कि थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए कुछ तो मैं आपके पास देरी से पहुंचा, कुछ जैसे है कि 2 गाड़ियां लोड करनी है, आपकी भी तैयारी का समय था, उसमें थोड़ा सा समय गुजर गया, तो हो सकता है कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी ना आई जी। तो आगे से थोड़ा सा इस चीज का ध्यान मैं भी रखूंगा और आपने भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है जी। आगे आने वाले दिनों में, अभी जैसे जून का महीना चल रहा है जी, आज 12 तारीख होगी, आगे कितने समय तक पहले के जैसे कस्टमर आप मानते हो कि दोबारा आना शुरू हो जाएगा? सर अभी 15 कुछ हमारे तो यहाँ बारिश चालू अपने तो हो ही गई चुकी है जी। और राजस्थान में भी लगभग चालू हो ही चुकी है, पंजाब में तो इस बार ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं। सही है, नहीं बढ़ा जी। पिछले 2-4 दिन में था लेकिन लगभग टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं, अभी राजस्थान में बारिशें चालू 15 दिन में सर, जैसे पहले हर रोज 4-5-6-7 गाड़ी जाती है, 15 रोज में दोबारा चालू हो जाएगी। कहने का मतलब जुलाई का महीना शुरू होते ही पहले जैसे नॉर्मल सब कुछ हो जाए। जी जी, चलो बहुत अच्छी बात है। रियासत जी अंत में एक बार फिर से अपना यहाँ का प्रॉपर एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर अपना दोबारा से बताएं। सर एड्रेस बताने के पहले मैं, जो नए किसान अभी सीजन शुरू होने वाला है, हाँ जो कस्टमर पंजाब में गाय लेने के लिए आ रहे हैं, मैं उनको कुछ बातें बताना चाहूँगा सर। हाँ, गाय बिक्री करने को कोई भी कर सकता है, लेकिन जैसे हमने गाय 30 लीटर बोल के दे दी सर, गाय फार्म पे जाके अपना आपके फार्म में 30 लीटर दे रही है, एक कुछ छोटी छोटी चीजें सर नोट करने वाली होती हैं। गाय ने 2 महीना 30 लीटर दूध दिया, हाँ फिर तुरंत 15 लीटर पे आ जाती है, कई ऐसी प्रकार की दिक्कतें आती हैं, गाय का कुछ भी, गाय को मिस्टेटस हो जाती है, और जैसे गाय का पीएच लेवल गाय डाउन हो जाता है, गाय का गोबर पतला होने के कारण गाय बहुत पतली हो जाती है दूध,
एक क्या डाइट प्लान देना है, क्यों तुरंत गाय दूध कम कर जाती है या गाय गाभिन नहीं रहती, ये सब सोचने वाली चीजें हैं सर। अगर हर प्रकार से आपका फार्म में गाय सेट रहेगी तो ही आपका डेयरी फार्म कामयाब रहेगा सर। तो ये काम मान लो गाय कहीं से भी लो, एक्सपीरियंस बंदे से लो, मैं नहीं बोलता मेरे से लो, जो भी बंदा एक्सपीरियंस वाला है, लंबे टाइम से धंधा कर रहा है, आपको डिलीवरी अच्छे से दे सकता है। हम बोलते हैं सर हमारे फार्म से अगर आपके फार्म तक आपके गेट तक चाहे वो 2000 किलोमीटर है चाहे वो 2500 किलोमीटर है, डिलीवरी देना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हमारा केयर टेकर साथ में जाता है, गाय के अंदर खड़ा रह के जाएगा, ठीक है। और रास्ते में किसी प्रकार की हमारे केयर टेकर की वजह से अगर कोई दिक्कत आती है जहाँ कोई गाय को किसी प्रकार की दिक्कत आएगी तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे लास्ट तक, भी जवाबदेही वो आपकी रहेगी हमारे। सर ऐसी बातें नहीं, हम फोन पे ऐसे एक दो कस्टमर को आपसे बात भी करवा सकते हैं जिनका कोई थोड़ा बहुत नुकसान भी आया, हमने पैसा वापस दिया, वो भरपाई फिर करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। कस्टमर जिंदा रख, धंधा लंबा चलाने के लिए तो कस्टमर जिंदा रखना पड़ता है सर। ओके जी, प्रॉपर एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर। मेरा एड्रेस सर मंडी डब वाली पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे है और बठिंडा रोड पे है सर। मंडी डब वाली से 8 किलोमीटर है, मंडी डब वाली गाय की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और उसी मंडी से 7-8 किलोमीटर मेरा फार्म है। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है सर 8847608059। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा बातचीत कर। ओके सर।